देश के आम आदमी की लखटकिया अब देश की सबसे महंगी कार है, ये है टाटा नैनो जो कि सुनहरी है, पूरी तरह से सोने की बनी, 80 किलो सोना 15 किलो चांदी की बनी ये गाड़ी। आप देख सकते हैं इसमें जो कारीगरी है, भारत में जो गहने बनाने के लिए बारीक कारीगरी है, फिर चाहे वो नक्काशी हो, मीनाकारी हो, फिर या हम बात करते हैं जैसे कि इसमें हम फिलिग्री देखते हैं, इस तरह की आप कारीगरी देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं राजस्थान का थेवा है, कुंदन वर्क है, वो सभी कारीगरी जो खास भारतीय इतिहास से जुड़ी है, 5000 साल का इतिहास, वो सब इस गाड़ी में बनी है। ये गाड़ी एक तरीके से उत्सव मना रही है भारतीय जवाहरात की कारीगरी के 5000 वर्षों का। टाटा ने इस गाड़ी को बनाया है, इसे बनाने में 8 महीने का वक्त लगा, 30 से ज्यादा कारीगर लगे। इसमें खर्चे की अगर बात करें तो अगर कीमत आके तो ये गाड़ी करीबन 22 करोड़ की होगी। फिलहाल ये गाड़ी बाजार में नहीं बिकेगी, टाटा समूह के पास ही रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें कारीगरी के नमूने की तो टाटा नैनो ने एक इतिहास रचा था, और आज ये गाड़ी दुनिया की पहली शायद सोने की बनी ज्वेलरी कार भी एक इतिहास रच रही है। मुंबई से दीप्ति अग्रवाल, एनडीटीवी इंडिया।